नमस्ते बच्चों, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं जी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राग की रस्सी पाठ के शब्दार्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। शब्दार्थ और वाक्य में प्रयोग। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। ओके जी। पहला शब्द है होशियार। क्या है बच्चों? होशियार। इट मीन्स इंटेलिजेंट, समझदार। होशियार मीन्स समझदार। होशियार मीन्स समझदार। इट्स यूज इन सेंटेंस, राम बहुत होशियार लड़का है। राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो होशियार का मीनिंग है समझदार। इसका वाक्य में प्रयोग है राम बहुत होशियार लड़का है। तो चलो बच्चों, अगला शब्द है भोला। भोला मीन्स इनोसेंट। भोला मीन्स इनोसेंट। इट मीन्स सीधा। भोला मीन्स सीधा। भोला मीन्स सीधा। यस। इट्स यूज इन सेंटेंस, मंत्री का बेटा बहुत भोला था। क्या है बच्चों? मंत्री का बेटा बहुत भोला था। यस। इट मीन्स मिनिस्टर सन वॉज वेरी इनोसेंट। ओके ओके जी। अगला शब्द है बुद्धू। बुद्धू मीन्स स्टूपिड। बुद्धू मीन्स स्टूपिड। स्टूपिड वी कैन से बेवकूफ ऑल्सो। बुद्धू बेवकूफ। बुद्धू मीन्स बेवकूफ। वाक्य प्रयोग है इसका, मेरा दोस्त बहुत बुद्धू है। क्या है बच्चों? मेरा दोस्त बहुत बुद्धू है। माई फ्रेंड इज स्टूपिड। माई फ्रेंड इज स्टूपिड टू मच। अगला शब्द है हल। हल मीन्स कठिनाई को दूर करना। हल मीन्स हल, कठिनाई को दूर करना। हल मीन्स सॉल्यूशन, कठिनाई को दूर करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, हर समस्या का एक हल होता है। इट मीन्स एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ओके। सो हल मीन्स सॉल्यूशन, कठिनाई को दूर करना। अगला शब्द है चालाक। चालाक। चालाक मीन्स चतुर। चालाक मीन्स चतुर। इट मीन्स क्लेवर, सो स्मार्ट। सो इट मीन्स, इसका वाक्य में प्रयोग है, मंत्री बहुत चालाक और होशियार था। मंत्री बहुत चालाक और होशियार था। इट मीन्स इन इंग्लिश, मिनिस्टर वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। सो चालाक मीन्स चतुर। चालाक मीन्स चतुर। अगला शब्द है हाजिर जवाब। क्या है बच्चों? हाजिर जवाब। यस। हाजिर जवाब मीन्स रिप्लाई समवन वेरी फास्ट। ओके। रिप्लाई ऑफ एनी क्वेश्चन वेरी फास्ट, विदाउट थिंकिंग, वेरी फास्ट रिप्लाई ऑन स्पॉट। झट से जवाब देने वाला। क्या है? झट से जवाब देने वाला। इसका वाक्य में प्रयोग है, मंत्री हाजिर जवाब और चालाक था। क्या है बच्चों? मंत्री हाजिर जवाब और चालाक था। यस। अगला शब्द है तरीका। क्या है बच्चों? तरीका। तरीका मीन्स उपाय। तरीका मीन्स आइडिया। हाँ, आइडिया ऑल्सो यू कैन से। आइडिया, वे, सॉल्यूशन यू कैन से। सो वाक्य में प्रयोग है इसका, मेरे पास एक तरीका है।
इट मीन्स आई हैव एन आइडिया. इट मीन्स आई हैव एन आइडिया. आई हैव वन सॉल्यूशन यू कैन से. अगला शब्द है मशहूर. मशहूर मीन्स प्रसिद्ध. इन इंग्लिश वी कैन से फेमस. मशहूर मीन्स प्रसिद्ध. प्रसिद्ध इन इंग्लिश फेमस. फेमस इसका वाक्य में प्रयोग है. ताजमहल विश्व में मशहूर है. इट मीन्स ताजमहल इज फेमस इन दिस वर्ल्ड. हमारा अगला शब्द है निराश. निराश मीन्स उदास. इन इंग्लिश यू कैन से सैड. ओके. निराश मीन्स उदास. सैड इसका वाक्य में प्रयोग है. हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए. हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए. इट मीन्स वी शुड नॉट बी सैड इन एनी सिचुएशन. अगला शब्द है मुश्किल. क्या है बच्चों? मुश्किल. मुश्किल इट मीन्स कठिन. मुश्किल मीन्स कठिन. मुश्किल मीन्स कठिन. कठिन डिफिकल्ट. ओके. वाक्य में प्रयोग है. यदि हम ठान लें तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता. यदि हम ठान लें तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता. अगला शब्द है मंजूर. क्या है बच्चों? मंजूर. इट मीन्स स्वीकार. इट मीन्स स्वीकार. स्वीकार एक्सेप्टेड. ओके. एनीथिंग वी एक्सेप्टेड. मंजूर इसका वाक्य में प्रयोग है. सीता के पिता को उसका आगे पढ़ना मंजूर है. सीता के पिता को उसका आगे पढ़ना मंजूर है. अगला शब्द है गवाना. क्या है बच्चों? गवाना. गवाना. गवाना मीन्स बिताना. यू कैन से स्पेंडिंग वेस्टिंग. इसका वाक्य में प्रयोग है. हमें समय व्यर्थ कामों में नहीं गवाना चाहिए. हमें समय व्यर्थ कामों में नहीं गवाना चाहिए. अगला शब्द है धूमधाम. क्या है बच्चों? धूमधाम. इट मीन्स खूब अच्छी तरह से. इट मीन्स खूब अच्छी तरह से. इसका वाक्य में प्रयोग है. राजा ने अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से की. सो धूमधाम मीन्स खूब अच्छी तरह से. धूमधाम मीन्स खूब अच्छी तरह से. यस. हियर इट मीन्स यू कैन से हैप्पीली. धूमधाम मीन्स खूब अच्छी तरह से. ओके जी. तो बच्चों ये थे हमारे राग की रस्सी पाठ के शब्दार्थ और उनका वाक्य में प्रयोग. अब आपको इनको अच्छे से 5 बार पढ़ना है. ओके. यू विल रीड दीज ऑल वर्ड्स एंड यूज इन सेंटेंस 5 टाइम्स. ओके चिल्ड्रन. ओके जी. ओके. थैंक यू चिल्ड्रन. टेक केयर. स्टे एट होम.